गाइस आज हमारा है साउथ गोवा में लास्ट डे। और हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो गाइस आज हमारा यहाँ है लास्ट डे रहा हमारा अपार्टमेंट। हाँ, लगेज जा रहा है हमारा, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ क्योंकि आज हमें जाना है, चर्च जाना है। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं ओल्ड गोवा। पप्पू कितना बड़ा चर्च है बताइए। ये अपार्टमेंट था आपका? नहीं, मेरे हस्बैंड पहले गोवा में रहते थे और इसी एरिया में रहते थे। बिट्स प्लानी जब पास करने के बाद वो यही कॉलेज भी किए हैं, यही फर्स्ट जॉब भी वहाँ ज्वाइन किए थे। और यही जो आप लोग को अपार्टमेंट दिखाई ना, वो फर्स्ट अपार्टमेंट था मेरे हस्बैंड का। जय किचन को बाय। दानापुरा जेट्टी है तो जहाँ सिंगम मूवी की शूटिंग हुई थी। अभी हम पहुँच गए हैं। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है ऊपर से। सो गाइस आप लोगों को रिकैप से अंदाजा लग गया होगा कि इससे पहले जो आप दो ब्लॉग देखे हैं उसी का ये थर्ड पार्ट है। और वो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं डिवाइड कर करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जो इससे पहले वाला दो ब्लॉग नहीं देखे हैं, रिकैप से अंदाजा लग गया होगा। और अगर रिकैप से पता नहीं चल रहा है तो मैं उस दोनों ब्लॉग का जो लिंक है ना, आई बटन पर डाल दूँगी, आप लोग चेक कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को। और इसके बाद मैं क्या किया आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी। सो गाइस हम आ गए हैं डिनर करने के लिए मार्टिन कॉर्नर। और ये मार्टिन कॉर्नर नॉर्थ गोवा का पॉपुलर रेस्टोरेंट में से एक रेस्टोरेंट ये भी है। तो हम सोचे चलो यहाँ डिनर किया जाए क्योंकि जहाँ हमारा रिजॉर्ट है ना उसके बहुत पास में ही है ये रेस्टोरेंट। और यहाँ आपको जाते ही सीट नहीं मिलेगा, कुछ देर वेट करने के, कुछ देर या कुछ घंटे वेट करने के बाद ही यहाँ सीट मिलेगा। तो फाइनली हमें सीट मिल गया हाफ एन आवर वेट करने के बाद। तो हमारा नेम रख लिया था और जैसे सीट खाली हुआ ना वैसे हमारा नेम अनाउंस किया गया यहाँ, फिर हम आके यहाँ बैठ गए। तो आप लोग देख सकते हो ये बहुत, मतलब बोलते हैं ना भीड़ों से खचाखच भरा हुआ ये रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, बट कभी भी ये खाली नहीं मिलेगा आपको। तो अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ। और फूड क्या कैसे है वो तो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी कि कैसा टेस्ट है, क्या है, वो सब मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी। हम पहुंच चुके हैं अपने रिजॉर्ट। और हमने जो रिजॉर्ट बुक किया है ना वो फॉर्चून रिजॉर्ट है। तो यहाँ तो आते ही यार, मतलब हम डिनर करके निकले हैं और बारिश तो मत पूछो, इतनी बारिश हुई है ना, बोलते हैं ना बिन बादल बरसात होना, आप लोग भी देख सकते हो बहुत तेज बारिश हुई है। बोलते हैं ना कि गोवा का वेदर कब चेंज हो जाएगा, कोई ठीक नहीं है, बस हम भी वही देखे कि इतना अच्छा सुबह से वेदर था और अचानक से इतनी बारिश हुई है ना, क्या ही बताऊँ मैं। तो गाइस बारिश इतनी होने लगी ना, मैं पूरा ही भीग गई हूँ। अम्ब्रेला लेके आए हैं फिर भी ना थोड़ी बहुत, बोलते हैं ना मतलब बारिश का पानी जो है ना ऊपर आता है ना, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है वो चीज़। अरे देखो
एरिका पाम के जैसी ही है। चलिए हमारी रेगिस्ट तो जा रहा है, अब रूम कौन सा है वो डिसाइड नहीं हुआ है, और मुझे चाय चाहिए था तो रूम में जाके ही अब चाय पीऊँगी। चाय के बिना अच्छी नींद नहीं आएगी मुझे, तो चाय देखिए आपकी बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी तेज बारिश हो रही है, बोलते हैं ना बिन बादल बरसात, वो हो रही है बिन बादल बरसात। कोई चांस नहीं था बारिश का, और बारिश वहाँ हमारी गाड़ी जा रही है। हस्बैंड पार्क कर रहे हैं और मैं आ गई हूँ अंदर। ऐसे जो बारिश होती है ना लगता है जो मतलब पूरा मन ना किचकिच हो जाता है, गीला होने से ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। बड़े बड़े ट्रीज हैं आगे, जोरों की बारिश होने लगी। अच्छा था कि हम होटल के पास ही डिनर के लिए रुके थे, तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं होटल पहुंचने में, 10 मिनट्स लगा है वहां से बस। आप लोगों को डे टाइम अच्छे से मैं दिखाऊंगी, अभी तो मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। जस्ट हम यहाँ इंटर करे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ है रिसेप्शन और यहाँ है मेन गेट। मेन गेट के अंदर हम चलते हैं, यहाँ लंबी सी चेयर। और यहाँ दोनों साइड रूम है, इधर भी रूम है, इस साइड भी रूम है, और इस साइड भी रूम है। बारिश होने लगी है ना, इतने हम आते आते ही मतलब कोई चांस था नहीं बारिश का, बट जैसे हम डिनर करके निकले हैं वैसे तेज बारिश हुई है। थोड़ी बहुत तो गीली हो गई हूँ, बहुत तो नहीं। डिफरेंट टाइप का ये प्रॉपर्टी है, मैं आप लोगों को सुबह में अच्छे से टूर कराऊंगी, बट बहुत खूबसूरत सी है जी। अपना कैप कैप डाल दिए है, सुरक्षा चक्र। सो गाइस प्रॉपर्टी मुझे बहुत पसंद आई, अभी मतलब रात की बात बता रही हूँ, ये काफ़ी अच्छा है। और यहीं से मेन गेट है, हम तुम्हारे रिसेप्शन से होके आए हैं बट मेन गेट यहाँ है। और यहाँ ये देख सकते हैं इस साइड, और ये रहा मेरा रूम नंबर G16। सो गाइस ये रहा हमारा रूम। और आप लोगों को देती हूँ अब रूम टूर। सो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ नॉर्थ गोवा, और हम जो रिजॉर्ट लिए हैं ये है फॉर्चून रिजॉर्ट, बहुत ही अच्छा। अभी तक फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या कैसे है मॉर्निंग में मैं दिखा दूंगी, बहुत अच्छा रिजॉर्ट है अभी तक जितना मुझे लगा है। और ये है हमारा रूम, तो आप लोगों को एक छोटा सा रूम टूर में करा देती हूँ। तो ये रहा मेन गेट, जैसा कि मैं आप लोगों को बाहर दिखाया, ये रूम नंबर बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और G16 हमारा रूम नंबर है। और ये है मेन गेट, मेन गेट से स्टार्ट होता है, यहाँ है मेरा फेवरेट कॉफी स्टेशन। सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से, कप है, केटल है, देख सकते हो ये बहुत अच्छा दिया है, और यहाँ भी बहुत कुछ दिया है। इसमें फेवरेट मेरा ये है मखाने, ये चीज मैं यहाँ स्पेशल देखी हूँ, ये देखो ये रम है। तो ये चीज बहुत अच्छा लगा, ये क्या है, ये नहीं ये क्या, अच्छा ये क्या है, हमें बोली ना
अच्छा कॉस्ट के साथ। और अगर आप यहाँ यूज करती हो तो यहाँ अपना एंट्री कर सकते हो, ठीक प्राइस है, ज्यादा नहीं है कुछ ना। मुझे बहुत अच्छा लगा, बाकी सब देख सकती हो। और यहाँ है टीवी यूनिट, बॉय टीवी यूनिट भी बहुत अच्छा है। फिर हम बैठते हैं कॉफी स्टेशन के नीचे, है ये बहुत सारे ड्रॉर जो अभी खाली पड़ा है, काफी अच्छा है ना ये। फ्रिज नहीं है यहाँ, हाँ है फ्रिज। वाओ ये देखिए फ्रिज के अंदर भी, ये तो मैं अभी भी रूंगी, फ्रिज के अंदर भी बहुत कुछ है। ये सही लगा, अपना पेमेंट करो और एंजॉय करो, अपना पेमेंट करो और एंजॉय करो, ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इस चीज के हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, छोटा मोटा जो भी कुछ है ना हमें यहाँ मिल जाएगा। और ये टीवी बहुत अच्छा है। फिर बढ़ते हैं हम यहाँ स्टडी टेबल के पास आ गए। तो यहाँ ये जो है ना मेरा वर्क स्टेशन है, जहाँ मैं वीडियो एडिट करूंगी और आप लोगों को पोस्ट नहीं करूंगी अभी तो अभी मैं पोस्ट को ही नहीं वीडियो कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। मैं अपने एंजॉयमेंट में ना थोड़ी सी भी खबर नहीं डालना चाहती, इसलिए मैं कोई वीडियो एडिट नहीं कर रही हूँ यहाँ बैठ के फिलहाल। तो यहाँ कुछ भी तो काम होगा मेरा। और यहाँ बड़ा सा मिरर जिसमें दिख रही हूँ मैं, बहुत थकी हारी लग रही हूँ मैं, बहुत पूरा दिन हम एंजॉय किए हैं दिखा दिए। और यहाँ एक छोटू सा प्लांट है, वाह ये तो फेवरेट प्लांट है देखो मैं, बट ये बेचारा ना इसको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा, इसको यहाँ रख देते हैं ना। यहाँ है चेयर। और फिर हम बढ़ते हैं यहाँ, ये सारे लगेज है हमारे दिख रहे हैं, क्योंकि हमारा दो ट्रिप लॉन्ग मतलब लंबा लंबा ट्रिप हमारा दो साथ में हुआ है। एक केरला ट्रिप, हम केरला से आए हैं आप लोगों को जैसा कि ब्लॉग में पता चल गया होगा। तो केरला का जो है ना ये है पूरा, क्योंकि हम शादी में गए थे तो जरा बड़ा बैग लेके गए थे, शादी में जाने से तो पता ही कितना हो जाता है, बड़ा बैग है केरला का है, बाकी ये दो गोवा का है। ये लैपटॉप बैग, ये मेरे दो हैंड बैग, ये जो गैंग है गोवा में खरीदी हूँ वो हैंड बैग, और ये हैंड बैग मैं लेके आई थी वो है। इससे आगे बढ़ते हैं बड़ा सा वार्डरोब, जो गेट के जस्ट बगल में सभी होटल वार्डरोब जो होता था वो यहाँ है जो है वही है, हैंगर है, दो बाथरूम है जिसे मैं और मेरे हस्बैंड एंजॉय करेंगे। लॉन्ड्री बैग भी है, हाँ ये भी करोड़ों का अगर लॉन्ड्री बॉक्स, अच्छा लॉन्ड्री बॉक्स, हाँ लॉन्ड्री बॉक्स भी ऐसे ही है तो ना। और यहाँ एक करोड़ों का जो पैसा लेके आया है ना, डब्लू डब्लू के नीचे जो गोवा में छुपा हुआ है ना, वो पैसा इसमें रखना है। अब आते हैं मेन, जो मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है, तो ये रहा मेन जो बहुत ही प्यारा से लगा हुआ है, अच्छा लग रहा है ना। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिया है व्हाइट के साथ, दो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिखता है मुझे। और ये कुछ पोस्टर लगे हुए हैं प्यारा सा, जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो पोस्टर लगा होता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है बेडरूम में। बस बेड साइड टेबल है यहाँ, और यहाँ फोन है। फिर बढ़ते हैं इस साइड, यहाँ भी बेड साइड टेबल है, और यहाँ मैं हूँ। अरे ये भी बेड वही है। तो गाइस बेड तो दिखा दी हूँ जो मेरा फेवरेट प्लेस है। फिर अब बढ़ते हैं यहाँ जो बहुत अच्छा कर्टन था, कर्टन के पीछे क्या होता है, बालकनी। तो यहाँ बालकनी की जगह पे ना, क्योंकि हम ग्राउंड फ्लोर में है जाएगा फिर। बहुत ऊंचा है ये तो, ऊपर का मत बंद करना। सो गाइस थोड़ा सा पति देव हेल्प करे और बोल दिए हैं। सो गाइस पर्दा हटाने के बाद क्या है, बालकनी उतर
बहुत अच्छा है, यहाँ ग्राउंड फ्लोर है बट देखिए इस टाइप का भी है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ना वो कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना बहुत डर लगता है उसको, इसलिए मुझे ग्राउंड फ्लोर पसंद नहीं है। बट यहाँ मिल गया तो करें क्या, ये देखे नहीं थी क्या ग्राउंड फ्लोर है सो मुझे अच्छा नहीं लगता है ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल नहीं। यहाँ कुछ प्लांट्स हैं, बस बंद कर देती इसको, इंसेक्ट आ गया तो फिर हो गया, मुझे ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो गाइस मैं हाँ कर दे अच्छे से बंद कर दे। सो गाइस जैसा कि पूरा रूम टूर तो मेरे हस्बैंड करा देते हैं बट वॉशरूम का टूर मैं कराती हूँ आप लोगों को, तो चलिए दिखाते हैं। वॉशरूम भी बहुत अच्छा है यहाँ का, देखिए क्या वॉशरूम देखे हैं, आइए मेरे साथ आप भी देखिए अच्छा है। हाँ हमारा वॉशरूम जो कि बहुत ही अच्छा है देख सकते हो, यहाँ शावर एरिया दिया हुआ है, बाकी जो है यहाँ सारे हैं ये शावर कैप जे, अरे बायोटिक का है यहाँ भी हेयर ड्रायर, जब हेयर वॉश करूंगी तो इसकी जरूरत पड़ेगी। और यहाँ देखिए ये अगर मेकअप वेकअप करना है तो इस टाइप का भी मिरर दिया हुआ है, इसमें दिख रही हूँ मैं, मेरा इयर रिंग कितना सुंदर लग रहा है, देखिए इयर रिंग और मेरा नेल पेंट सेम ही मैच कर रहा है, नेल पेंट देखो और इयर रिंग देखो। चलिए इसको करते हैं साइड और आते हैं यहाँ, तो इसमें दिख रही हूँ मैं जो बहुत थकी हारी लग रही हूँ, आज पूरा दिन ऐसे ही हमारा निकला है यहाँ वहाँ घूमने के, उसमें ये ड्रेस आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा, मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि ना बहुत ही लाइट वेट ड्रेस है ये, ना बहुत ही शोबर लगना वो ड्रेस लग रहा है ये मेरा, आप लोगों को कैसा लगा ये ड्रेस बताइएगा। और इस ड्रेस का प्राइस जब मैं बताऊंगी ना तो आप लोग शॉक रह जाओगे। ये है बड़ा सा एक मिरर दिया हुआ है यहाँ, यहाँ है बेसिन, तो टोटल मिला कि मेरा ये रहा 3 डेज का, 3 या 4 डेज का मुझे कोई आइडिया नहीं है कब निकलना है, 7th को निकलना है हमें, तो आज है 4th हो गया, आज बर्थडे गर्ल का बर्थडे है, 3 डेज हमें यहाँ रहना है, 3 डेज का ये हमारा वॉशरूम हो गया। चलिए अब फ्रेश हो लेते हैं। सो गाइस चलिए इस ब्लॉग को अब करती हूँ मैं यही एंड, और आज का जो ब्लॉग है ना मुझे लगता है नहीं कुछ तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो देखती हूँ कट पिट करके कितना आप लोगों के साथ मैं शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि आज हम बहुत घूमे हैं बहुत घूमे हैं, तो चर्च गए हैं, चर्च ही 2 या 3 चर्च गए हैं हम, बट पूरा दिन हमारा उसी में निकल गया, तो चेकआउट करने के दिन में ना होता ही है ऐसे, तो आज का पूरा दिन मेरा ऐसा रहा। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, 5th डेज है ना आज ये गोवा में, मतलब कल आज तो 4th हो गया, 5th डेज था ना, 29th को हम आए थे हाँ 5th डेज, तो कैसा लगा आप लोगों को गोवा day 5 का ब्लॉग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज कल से आप लोगों को न्यू ब्लॉग मिलेगा day 6 का, तो टोटल लाइक मेरा आज का ये ब्लॉग रहा, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। और आज है मेरा बर्थडे, तो रात के 12 बज चुके हैं, 12:30 ये पूरी एक पूरा होगा, हाँ 12:31 हो रहा है एग्जैक्ट, तो मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यही एंड, और बर्थडे गर्ल को आप लोग भी विश कर दीजिएगा, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कैसा लगा ब्लॉग मुझे जरूर बताइएगा। मुझे लगता है कि गोवा ब्लॉग ना आज फर्स्ट डे में इस तरीके से एंड कर रही हूँ, नहीं तो आप लोगों से बिना बात के ही मैं वॉइस ओवर करके एंड कर देती थी, बहुत टायर्ड हो जाती थी यार, और 1:30 बज जाता था हम लोगों को 20 से आने में, इसीलिए आज बोले चलो 1:30 वो 12:30 तो अभी भी बज रहे हैं, तो चलो ब्लॉग को एंड किया जाए, बाय बाय।